कैसा फील हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है कि आज मेरी वाइफ का एक सपना पूरा होने जा रहा है। एक्ट्रेस तो वो थी ही, प्रोड्यूसर बनना था उसे, तो पहली बार ये दूरदर्शन के लिए पायलट बन रहा है उसके प्रोडक्शन में, संतोष क्रिएशन के नाम से, और अविका ग्रुप प्रेजेंटर हैं इसके। मुझे तो खुशी होगी। लेकिन नीरज जी ये बताइए कि ये आप अभी बोल रहे हैं कि बहुत दिनों से सपना था, लेकिन ये प्रोडक्शन में आने का इतना लेट ख्याल क्यों आया है, इतना विलंब क्यों हुआ? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि सपना देखने का हक तो सबको है, अब ये बात है कि वो सपना पूरा कैसे किया जाए। तो मैं तहे दिल से आनंद बिहारी यादव जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि ये सपना उन्होंने पूरा किया। हमारे लाइफ में उनका आना, अविका ग्रुप का इन्वॉल्व होना, ये हमारे लिए बड़ी ही सुखदाई है, और उसकी वजह से ही ये सपना पूरा हो पाया। शायद इससे पहले आनंद बिहारी यादव जैसे कोई नहीं मिले, और जिन्होंने ये बीड़ा उठाया उपासना के सपने को साकार करने का। आपके सीरियल का एक नाम क्या है और इस सीरियल के माध्यम से आप क्या बताना चाहते हैं? सीरियल का नाम आप लोगों को बता दें, दस्तक सुबह की। दस्तक मतलब नॉक, सुबह की। सुबह यहाँ जो मतलब है वो है सफलता, सक्सेस, हर नए दिन की शुरुआत के लिए। जैसे मोदी साहब ने नारा दिया था अच्छे दिन आने वाले हैं, तो अच्छे दिन की शुरुआत सुबह से ऐसा रिजेंबल किया गया हुआ है। तो दस्तक की नॉक, हम कहानी में ये बताना चाहते हैं कि हमारे जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं वो इशारा कर रहे हैं कि अब अंधेरा छटने वाला है, अब उजागर आएगा, उजाला आएगा, अब सुबह होने वाली है। तो हर इंसिडेंट्स में हमने ये चीज़ लेकर चला, हमारे डायरेक्टर, हमारे पटकथा, हमारे स्क्रीन प्ले डायलॉग्स में ये सारा कुछ मेंशन किया गया हुआ है कि इन सब चीज़ों से एक नई चीज़, नई जिंदगी, नए जीवन की शुरुआत हो रही है, रोशनी नई आ रही है, नई किरण दिखने को मिल रहा है। तो कहानी का एक्चुअली सारांश यही कह लीजिए कि अब अंधेरा खत्म हो गया है, अब उजाला आने वाला है। आप भी एक्टर हैं नीरज जी, आपकी वाइफ भी एक्टर है, लेकिन वो प्रोड्यूसर हो गई, लेकिन उनको भी हर मोड़ पे साथ की जरूरत है, तो आप उनका साथ कैसे देंगे? साथ कैसे देंगे, अब तो 7 साल हो गई हमारी शादी की और अब तक तो साथ दे ही रहे हैं, और ऊपर वाला चाह और सब लोगों का आशीर्वाद प्यार रहा तो साथ मतलब देते रहेंगे। सीरियल में आपकी क्या भूमिका होगी? भूमिका जब आप लोगों को बता दूं, पत्नी का मतलब अर्धांगिनी होता है, यानी वो 50% मालकिन है तो 50% मालिक मैं भी हूँ, और अगर 50% जिम्मेदारी उसकी है तो 50% मेरी भी जिम्मेदारी है, और मैं चाहूँगा कि वो अपनी जिम्मेदारी में हमेशा अव्वल रहे, सफल रहे। इसके लिए मुझे जो सपोर्ट मुझसे हो पाएगा, तन मन हर तरह से, मैं तो करूँगा ही। एक लास्ट सवाल नीरज जी, आप आज इस खुशी के मौके पे अपनी बीवी को 2 शब्द में क्या बोलना चाहते हैं? कुछ गाके या कुछ ऐसे वर्ल्ड की जो आज वो प्रोड्यूसर बनी उनके लिए 2 शब्द आप क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहूँगा कि मेरी धर्म पत्नी के लिए प्यार और आशीर्वाद तो हमेशा मेरी ओर से है, चाहे जिस रास्ते पे चले, जिस रास्ते में ना पॉजिटिव वे, नॉट नेगेटिव वे में, जिस रास्ते पे चले मेरा साथ हमेशा है, और ताउम्र जब तक मैं हूँ तब तक इतनी इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि वो हमेशा सफल रहे, मेरा आशीर्वाद उसके साथ है, ब्लेसिंग्स हमेशा साथ है, और गाइड करता रहूँगा जितना मैं सक्षम हो पाऊँगा। धन्यवाद, थैंक यू।